फिर हमारा खास कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कहा है कि समाजवादी पार्टी, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब अंबेडकर और नेताजी के रास्ते पर चलकर संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में सीट मांग नहीं रही है, सीट दे रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से मिलकर सीटों पर बातचीत हो जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान है, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी इससे जुड़ी हुई आपको जरूर सुनवाते हैं। विधानसभा की जीत की घोषणा ने नया रास्ता राजनीति में दिखाया है और इसी तरीके से आंदोलनकारी बनकर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो लोकतंत्र भी बचेगा, संविधान भी बचेगा। समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर, डॉक्टर राम लोहिया जी के रास्ते पर और नेताजी के संघर्ष से रास्ते पे चल करके देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। तो अखिलेश यादव के उस बयान को आपने सुना जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सीटें नहीं मांग रही है, समाजवादी पार्टी सीटें दे रही है। इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। चंचल यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से और रोहित जी हमारे साथ मौजूद हैं आरएलडी से। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही इस चर्चा में। मेरे साथ ओपी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से और प्रियंका गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आप सभी का, आप सभी पैनलिस्ट का। चर्चा की शुरुआत करते हैं, शुरुआत चंचल यादव जी आप ही के साथ करते हैं। चंचल जी, जिस तरीके से बयान आया अखिलेश यादव का, देखिए दोनों पहलू हैं इसमें, अब इसे किस तरह से देखा जाए ये तो अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि जो आपके और साथी हैं गठबंधन के, क्या उनके लिए असहज स्थिति पैदा करने वाला ये बयान नहीं है? एकदम कतई, देखिए आप लोग जो है केवल एक छोटी सी कटिंग निकाल करके उसको चलाते हो। आप पूरी अगर आपने पूरा जिसने सवाल किया था उस सवाल को अगर आप सुनते तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनका दिल बहुत बड़ा, समाजवादी पार्टी का दिल हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। आपने देखा होगा जिस तरीके से चाहे 2019 का गठबंधन रहा हो, चाहे 2017 का गठबंधन रहा हो, चाहे 2022 का गठबंधन रहा हो, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए और दोस्ती के लिए जो है हमेशा जो है एक तरीके से बड़े दिल के साथ दोस्ती की जाती है, ऐसा हमारे नेताजी कहते हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए स्वाति एक ही समझने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज परेशान है इंडिया से, जो ये हमारा अलायंस है। आप देखेंगे जिस तरीके से जो जिन मुद्दों पे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में आए थे, आज उन मुद्दों पे चर्चा ना हो, उन मुद्दों पर बात ना हो, ये चाहते हैं, ये इसलिए डाइवर्ट करते रहते हैं। और आपने देखा होगा जिस तरीके से आदरणीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हम बड़े दिल के साथ दोस्ती करते हैं और बड़े दिल के साथ जो भी जरूरत पड़ेगी इस अलायंस के लिए और इस देश के लिए, देश अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि देश बचे कैसे, क्योंकि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाई देश के संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की है, संविधान बचाने की है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो लोग संविधान को खत्म करने में लगातार कोशिश कर रहे हैं और इन किन प्रकरण वो किसी न किसी बहाने जो है संविधान इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा किसके नेतृत्व में चल रहा है, किसके नेतृत्व में सारी चीजें चल रही है। चंचल जी ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कुछ बता पाएंगे इस पर? जी जी स्वाति जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा जो इंडिया अलायंस है उसका एक कमेटी बनी हुई है, उसमें सब लोग मिल करके आपस में चर्चा करके ये सारी चीजें निकल के आएंगी आपको सामने, और एकदम कहीं कोई मनमुटाव नाम की कोई चीज ही नहीं है। सब लोग जो है मिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को हराने की पूरी ताकत रखती है। ठीक है रोहित जी, और सुनिए पूरी बात सुनिए। और हमारा जो अलायंस है, आरएलडी है हमारे साथ, अपना दल कमेरावादी पार्टी है, उसके अलावा कांग्रेस है, ये सब लोग मिल करके जो है बीजेपी को हराने जा रहे हैं। 2009-2004 में आपने देखा होगा जिस तरीके से बीजेपी के लोग दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए थे, उसी पैटर्न पे हम लोग 2024 में भारतीय जनता पार्टी को लाके खड़ा करने जा रहे हैं और ये दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश हराने जा रहा है इनको और उत्तर प्रदेश हराएगा यहां से लेके पूरे देश में, आप देखेंगी इस पर आगे भी सवाल जवाब होंगे जी। मेरे साथ रोहित अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं आरएलडी से। रोहित जी, आप अखिलेश यादव के इस बयान को आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है, आपको लगता है अखिलेश यादव से उनकी पार्टी से कितनी सीटें मिल रही हैं इस बार? देखिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी को देख रहा हूँ इंडिया गठबंधन से। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि आंखें बंद करती है तो उसको इंडिया गठबंधन के नेता दिखाई पड़ते हैं।
जब देखो तब उनको कुछ ना कुछ लेके आना है कि कैसे भी करके किसी भी तरीके से ये इंडिया गठबंधन टूट क्यों नहीं रहा है। पहले लेके आए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, जब इनको समझ में आ गया है तो ये तो लड़ने वाले नहीं है भाई, ये तो सबके सब कहीं ना कहीं त्याग करने को तैयार हैं, तो फिर ये लेके आ गए कुछ और नया लेके आए। अब लेके आए साहब वो भाषा शैली नहीं ठीक थी। अरे भाई तुम ठेकेदार हो भाषा शैली के, हम एक दूसरे के साथ आपस में तालमेल कर लेंगे, समझ लेंगे। आप कौन है भाई, आपको जनता ने चुन के भेजा है विकास के लिए, आपसे जनता पूछ रही है कि ये बताओ रोजगार कब दोगे, सीटें कौन देगा कौन लेगा ये तो बाद में समझ लेना, पहले ये बताओ रोजगार कब दोगे, इस महंगाई से मुक्ति कब दोगे, महिला सुरक्षा कब प्रदान करोगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम होता चला जा रहा है, रोज कहीं पे डकैती है, कहीं पे मर्डर हो रहा है। आप देखिए मिर्जापुर के अंदर एक बैंक के अंदर डकैती हो जाती है, बैंक वैन के अंदर गोली मार के जो है पैसा लूट के ले आते हैं। आप देखिए लखनऊ के अंदर एक 23 साल की छात्रा को गोली मार दी जाती है। आप स्थिति देखिए, कानपुर के अंदर एक बेटी के साथ गैंगरेप हो जाता है, अयोध्या के अंदर एक महिला पुलिस वाली के साथ गैंगरेप हो जाता है। तो आप ऐसी स्थिति में आप क्या देना चाहते हैं, किस तरीके से आप सरकार चलाना चाहते हैं? आप खाली बस कैमरा जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में, बस वहीं पे लगा के रखना चाहते हैं क्या? आप कभी जनता का भी दुख दर्द देख लो भाई, अपने मन की बात रोज सुनाते हो, रोज इतवार को जो है प्रचार प्रसार शुरू कर देते हो कि मन की बात सुननी है, लेकिन जनता के मन की बात भी तो कभी सुन के देखो कि उसमें कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है। समस्या ये है भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार जाते हुए दिख रही है और कुर्सी मुंह में ये पूरी तरीके से आपको मतलब लगता है ये जो नतीजे इस बार आए इससे एक बड़ा संदेश जाएगा? अखिलेश यादव कह रहे थे कि लोकतंत्र बचाएंगे और आगे यही होगा, आगे लोकतंत्र बचेगा, देश को नया रास्ता मिलेगा। मैं आप ही के चैनल पे, आप ही के कार्यक्रम में रामपुर का जब उपचुनाव हो रहा था तो डिबेट में था, वहाँ के प्रत्याशी जो है आपके चैनल पे जोड़े गए और उन्होंने कहा ये तो उपचुनाव है, ये तो हम जीत ही लेंगे। तो स्थिति ये है कि जो घोसी में हो रहा था वो उपचुनाव था और उपचुनाव ये माना जाता है कि सरकार के इशारों पे कहीं ना कहीं उसका लोकतंत्र का हनन करती है सरकार, और सरकार जनता भी ये समझती है कि क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो इसलिए कहीं ना कहीं जनता का भी सॉफ्ट कॉर्नर होता है सरकार के प्रति। उसके बावजूद अगर आप 45,000 वोटों से हारते हैं तो ये दिखाता है कि जनता का मोह आपसे भंग हो चुका है पूरी तरीके से। भारतीय जनता पार्टी को अब जनता ने विदाई की चिट्ठी दे दी है। ये जो घोसी चुनाव था ये एक तरीके का जनता का संदेश था कि 2024 में आप दोबारा पुनः कभी नहीं आएंगे, इसके अलावा 2024 के बाद अब आप पुनः कभी सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि 70 साल तक जनता ने आपको दूर रखा था सत्ता से और आपने जनता को जुमले बांट बांट के आप सत्ता के अंदर आए 2014 में, और देखा जनता ने किस तरीके से आपने जनता का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया, और अपने 5-स्टार कार्यालय आपने हर प्रदेश के हर शहर के अंदर बनाने का आपने काम किया, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं किया। स्थिति यह है कि आज रोडों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रोडे हैं। स्थिति यह है कि जल भराव अगर 2 घंटा बारिश हो जाए तो विधानसभा के अंदर जल भर जाता है। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता स्वयं ट्वीट कर करके कहते हैं भैया बिजली नहीं आ रही है, बिजली खोलो। तो अब इससे ज्यादा बुरी स्थिति और आप प्रदेश की क्या करोगे? क्राइम का तो आंकड़ा आप जान ही रहे हो, महिला क्राइम में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, बच्चों के क्राइम में सबसे आगे उत्तर प्रदेश। जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में, नवेश शिको जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। प्रियंका जी, जिस तरीके से नतीजे आए हैं कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के लिए ये खुशी की बात है और कहा जा सकता है एक मनोबल बढ़ाने वाली स्थिति है, तो कांग्रेस इसको किस तरह से देख रही है? क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले ही समर्थन दे दिया था समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस किस तरह से देख रही है सीट के बंटवारे को लेकर? क्या कुछ आखिरकार फॉर्मूला आप लोगों के बीच में तैयार हो रहा है? जब एक बड़ा गठबंधन होता है और बड़ा उद्देश्य होता है तो उसके लिए फिर अपनी सीटों को देना और त्याग करना ये सब कुछ उसका एक हिस्सा होता है। जैसे कि आप अभी मुझसे सीटों के बंटवारे के बारे में पूछोगे तो मैं कहूंगी कि ये काम जो है एक पूरी समिति कर रही है जी। पूरे इंडिया गठबंधन उसका एक छोटा सा फॉर्मूला तो बता सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है किस तरीके से नेतृत्व जब बैठेगा, और मुझे लगता है भारत समाचार को सबसे पहले पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारे सीट का बंटवारा और फॉर्मूला निकला है और कितनी सीटों पे कौन कौन प्रत्याशी लड़े। तो आप उसकी बिल्कुल बेफिक्री रखिए, जो चीज होगी सब आपके सामने आ जाएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा समय रहे भी नहीं।
परंतु असली मुद्दों की अगर हम बात करें तो मैं आज ये पूछना चाहूंगी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कि दिल्ली पुलिस ने अब तो स्वीकार भी कर लिया कि ब्रजभूषण के खिलाफ काफी उनके पास पुख्ता सबूत है, तो उसके बाद क्या ब्रजभूषण को अरेस्ट किया है उन्होंने अभी तक? नहीं किया है, या फिर से उनको टिकट देकर सांसद बनाने का इरादा आ गया? तो इन सवालों के जवाब भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई, किस तरह भ्रष्टाचार, किस तरह से कैग की रिपोर्ट सामने आ रही है। और एक सवाल मैं इनके प्रवक्ता से और पूछना चाहूंगा, और वो बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि महिलाओं से, आम आदमी से और जो छोटे परिवारों से जुड़ा हुआ है, क्या गैस का सिलेंडर यहाँ भी 450 रुपए में मिलेगा या सिर्फ जहां जहां चुनाव है वहां वहां मिलेगा? क्या उत्तर प्रदेश की महिलाओं से सौतेला व्यवहार किया जाएगा या उन्हें भी, क्योंकि आपकी जीत में उनकी भागीदारी है भाई, तो क्या आप उनको ये अधिकार देंगे, उनको ये जो तोहफा है ये देंगे, या चुनाव तक इंतजार करवाएंगे उसके बाद? तो ये कुछ सवाल है मेरे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जवाब देना चाहूंगी। और बेरोजगारी पर अगर हम पूछेंगे तो बेरोजगारी बहुत बिल्कुल ओपी सिंह जी भी मौजूद है, दिखता नहीं। बिल्कुल ओपी सिंह जी भी मौजूद हैं बीजेपी से मेरे साथ इस चर्चा में। ओपी सिंह जी स्वागत है आपका। देखिए लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं, आप भी मौजूद हैं, सुन रहे हैं तमाम सवालों को, जवाबों को भी आप सुन रहे हैं। बीजेपी कितनी तैयार है 2024 के लिए? स्वाति जी, आपने पहला जो सवाल पूछा कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मैं सीटें मांग नहीं रहा हूं, मैं सीटें दे रहा हूं, हम समझते हैं कि इसका जवाब प्रियंका गुप्ता को और रोहित अग्रवाल को देना चाहिए और जो उनकी सहयोगी पार्टी। भाई आपसे पूछा ही नहीं ये सवाल, ये उनका मामला है। नहीं ये सवाल तो आपसे पूछा ही नहीं गया, सवाल ही नहीं पूछा। मैंने सवाल आपसे पूछा कि बीजेपी कितना तैयार है, सवाल जा रहा है विकास कब करोगे, आप जा रहे हो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में, ओपी सिंह जी यही तो आपका चाल चलन चेहरा है। घबराइए जी, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और 80 की 80 सीटें जीतने के लिए वो पूरी अपनी रणनीति बना चुकी है। आप सवाल उनसे पूछिए जो जिन लोगों ने दूसरे दूसरे दलों से मिल करके जिनकी संख्या 1, 2, 3 और 0, उनसे पूछिए। हमारे तो 80 की 80 की हम सीट जीतने के लिए हमारी रणनीति बनी हुई है, हम तो 73 तक पहुंच चुके हैं। हम मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, इनके भी मुद्दे हैं, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। पता नहीं कर्नाटक में लोकतंत्र बचा कि नहीं बचा, लोकतंत्र था तभी कर्नाटक में आप जीता। और घोसी में ईवीएम और डीएम और प्रशासन सब कुछ ठीक था, आप जीत गए, हमने आपको बधाई दिया। प्रियंका जी एक मिनट, पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए उनको, फिर आप बोलिए। प्रियंका जी एक मिनट, पहले देखिए आप लोग बोल रहे थे तो वो सुन रहे थे, पहले उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, एक मिनट उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग सवाल पूछिएगा। जाहिर सी बात है विपक्ष है आप लोग, आपके पास अधिकार है सवाल पूछने का, पहले अभी कंप्लीट कर लीजिए। आप ही माध्यम है, आप ही माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। जी जी, ये 2014 से टेप रिकॉर्डर बज रहा है, जह जह पाव पड़े संजय के तहता मंटाधार, वंशवादी परंपरा के जो जनक है जिनको सनातन धर्म का अपमान मत करिए, सनातन धर्म का अपमान मत करिए। आप क्या कहना चाहते हैं, संतन के जहां जहां पैर पड़ेंगे वहां पे भंडाधार हो जाएगा? नहीं नहीं, अपने शब्द वापस लीजिए आप, ओपी सिंह जी अपने शब्द वापस लीजिए, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ओपी सिंह जी, इनको चिंता नहीं है। दूसरी बात है, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कुछ कि साहब महंगाई बढ़ गई, महिलाओं पर अपराध बढ़ गया, हम कितना उत्तर प्रदेश में है, ओपी सिंह जी महंगाई नहीं बढ़ गया किए हैं ना, ये अरे सवाल सवाल ये था कि 450 रुपए का गैस सिलेंडर उत्तर प्रदेश में मिलेगा नहीं मिलेगा? आज पूरे भारतवर्ष में महिला अपराध के मामले में राजस्थान सरकार ने आपको पूरी सुविधा दे रखी है, तो नहीं और महंगाई के मामले में पूरे भारतवर्ष में डीजल और पेट्रोल अगर कहीं मांगा तो राजस्थान में महिला अपराध अगर कहीं पूरे देश में नंबर एक पर है सीआरपी रिपोर्ट के मुताबिक, तो ये जो है वहाँ राजस्थान कांग्रेस को वहां नहीं दिखाई पड़ता। इनके दो मानक है महंगाई के, कानून व्यवस्था के भी दो महंगाई है, राजस्थान छत्तीसगढ़ में होता है महंगाई और छत्तीसगढ़ में होता है क्राइम, तो वो ट्विटर इनका नहीं बोलता। अरे भाई, दो प्रदेशों में दो मानक कैसे हो सकते हैं? और रही बात इनकी इंडिया गठबंधन की, एक बात मैं कहके मैं समाप्त करता हूँ, सारे छत्र अपने अपने प्रदेशों में आग दिखा रहे हैं,
अखिलेश यादव का बयान का मतलब स्वाति जी आम आदमी निकाल सकता है कि उत्तर प्रदेश में सारे सहयोगियों पार्टी को वही सीट मिलेगी रोहित अग्रवाल और प्रियंका गुप्ता को जो अखिलेश यादव चाहेंगे। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में और पंजाब में घुसने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश वहां टीएमसी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कोई सीट नहीं लेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जो है वो जो है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पल ठोक रहे और वो तो यहाँ तक कह दिए कि छत्तीसगढ़ में लुटेरी जो सरकार लुटेरी रही है उसके एक एक बच्चे का हिसाब लेंगे। ये किसने बयान दिया? अभी इस तरह के बयान तो आगे भी आते रहेंगे, बयान बहुत सारे सामने आएंगे। बयानों पर नहीं, विषय मुद्दों पर होना चाहिए। कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, विषय पूरी तरह से मुद्दे होने चाहिए और जनहित के मुद्दे होने चाहिए। नवेद जी भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। नवेद जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में अब सीटों को लेकर बातचीत चल रही है और एक बयान अखिलेश यादव का जब से आया है तब से ये बयान काफी चर्चाओं में है। जी, मैं आपके सब्जेक्ट पे बोलने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये बात तय है और ये सब बात स्वीकार करते हैं कि दिल्ली की कुर्सी उत्तर प्रदेश तय करता है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है, लेकिन उससे टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, मुझे लगता है कि ये आपका सब्जेक्ट है और ये महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन मजबूत गठबंधन बनता है तो ये जरूर है कि यूपी में कम से कम भाजपा को टक्कर दी जा सकती है। देखिए, उपचुनाव जितने भी हुए अब तक उसमें समाजवादी पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा, उनके कई किले ढहे, लेकिन साथ में कई जगह सफलता मिली, बड़ी सफलता मिली। देखिए, खतौली में इनके साथी ने रालोद ने जीत हासिल की उसी भाजपा से जिसके बारे में कहा जाता है कि भाजपा से कोई लड़ नहीं सकता। उसके बाद मैनपुरी में जी जान लगा दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन ऐतिहासिक जीत हासिल की समाजवादी पार्टी ने। उसके बाद घोसी में भी सरकार ने बहुत मेहनत की, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की, लेकिन वहां भी बड़ी जीत हासिल की। ऐसे में लग रहा है कि अगर गठबंधन मजबूत होता है, इंडिया गठबंधन में आपसी सामंजस्य बन जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी जो बेहद मजबूत है, जो पूरे देश में सबसे बड़ी जो किला है भाजपा का वो उत्तर प्रदेश में है, उससे मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन अगर गठबंधन मजबूती से लड़ता है तो मुकाबला किया जा सकता है। इस बात के संकेत दो तीन जो चुनाव उपचुनाव हुए हैं और खासतौर से घोसी चुनाव के बाद ये संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है, ये बात बिल्कुल सही है, विपक्षी दलों में सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा सीटें हैं, सबसे ज्यादा उसका वोट प्रतिशत है, रालोद उसके साथ में है, रालोद भी तटस्थ है समाजवादी पार्टी के साथ में। जो कयास लगा रहे थे वो गलत साबित हुए, लेकिन बयान को अखिलेश यादव मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन अखिलेश यादव जी को भी ओवर कॉन्फिडेंस, जी मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं कि अखिलेश यादव जी को भी लग रहा है और जो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है और इसमें हम सबको मिलके और ताकत लगा के लड़ना है, मुझे लगता है कि इस सवाल के पीछे, इस तरह के बयान के पीछे एक अर्थ ये भी है कि पार्टी भी तभी बच पाएगी जब ये लड़ पाएंगे। तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियों को ये लगने लगा है कि अगर इस बार हम नहीं जीत पाए तो अगर फिर से अगर मोदी सरकार आती है तो हमारा अस्तित्व वाकई खतरे में हो जाएगा, क्योंकि लंबा समय होता है और ये करीब 10 साल गुजरने के बाद लगातार विपक्षी दलों को निराशा मिलने के बाद अगर फिर से भाजपा जीत जाती है तो वाकई क्षेत्रीय दलों को बड़ा नुकसान आगे आने वाले समय में हो सकता है। इसलिए आपसी ट्यूनिंग नजर आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्षी दल आपस में मिल रहे हैं, एकजुटता बना रहे हैं और लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहां पर अखिलेश यादव जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम साथ में मिलकर लड़ेंगे, इन सब बातों के साथ जो उनका बयान आया है, जिस बयान के ऊपर आप चर्चा करें, उस पर एक शब्द खलने वाला है। वो खलने वाला ये कि उन्होंने जो बात कही, जो ओपी सिंह साहब कह रहे थे कि सीटें तो हम देंगे, ऐसा होता नहीं है। जब गठबंधन केंद्रित होता है, एक जगह पर केंद्रित होता है, तो वहां पर कोई भी क्षेत्रीय दल, भले ही जैसे भारतीय जनता पार्टी है, टीएमसी है पश्चिम बंगाल में, आप है दिल्ली में, जितना भी मजबूत हो, लेकिन ये वो तय नहीं करता है। जो सेंट्रलाइज होता है जब गठबंधन राष्ट्रीय लेवल पे, तो
ये आप प्रस्ताव रख सकते हो, ये मांग रख सकते हो कि भाई हमारी इतनी बड़ी ताकत है, हमें 100% सीटें चाहिए, 80% चाहिए, 60% चाहिए, 80 में 60। सीटों को लेकर कोई ये गठबंधन की अनुशासनहीनता, गठबंधन में समन्वय कमेटी जो है वो तय करती है और बाकी दल अपनी बात रखते हैं। चंचल जी, जी तो ये मुझे लगता है शब्द लगने वाला है, और ऐसे में समन्वय कमेटी का क्या होगा, के बहुत संदेश, एक पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश होगी। आपको लगता है अगर इस तरह का जो संदेश देंगे अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं आपके साथ जो और दल है उनको खटक सकती है बात, और सहज स्थिति में ले जा सकती है। मैं बस एक बात पहले कंप्लीट कीजिए सर। मैं बस ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो उनका बयान है वो बयान शायद इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि जो अभी स्वरूप तैयार हुआ है रालोद कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी जो है अपना एक लीडिंग पावर उसका होगा, ये बात तय है और सबसे ये बात सही भी है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस चोरी छुपे बसपा के साथ में बातचीत करने की कोशिश कर रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, हो सकता है ये बातें खबरें गलत भी हों, ये बसपा के साथ जो ट्रेनिंग बनाने की कोशिश कर रही है वो एक सामूहिक रूप से गठबंधन बात नहीं कर रहा है, ना कोई ऐसी ब्रीफिंग हो रही है, ये बात समाजवादी पार्टी के नेता को खटक रही है कि बिना किसी रजामंदी के इस तरह की अगर बात हो रही है और उसके उसको कहीं ना कहीं तो वो दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, इसको पावर पॉलिटिक्स कहा जाता है और पावर पॉलिटिक्स अपनी जगह जायज भी है। बिल्कुल, चंचल जी जवाब दीजिए। लेकिन दो चीजें हैं, एक चीज स्वाति आपने सवाल किया कि किसी को अगर इन बातों को लेकर के, देखिए उन्होंने ऐसा स्पष्ट कहा कि भाई देखिए हम लोग एज इंडिया गठबंधन हम लोग मिल बैठ करके आपस में सारी चीजें, आपने केवल एक 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 लाइन आपने निकाल लिया और एक लाइन से सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, उसे आप गलत गलत माने निकालते हैं मीडिया के लोग। लेकिन आप मुझे बताइए, हमारे साथी बैठे हैं रोहित अग्रवाल आरएलडी से, प्रियंका जी बैठी हुई हैं, इसमें क्या दिक्कत है, किसी को आपत्ति है, सब लोग यहां बैठे हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, सवाल ये है, अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं अनिल राजभर जी ने कहा कि अगर एक रैली में उन्होंने अभी कहा, एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि राजभर समाज में प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि अगर आपको जुड़ना है तो सीधा जुड़िए, दलालों के चक्कर में मत पड़िए। आप सोचिए, मतलब इस तरीके की भाषा का ये इनके नेताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, इन्हीं के पार्टी के नेता बोलते हैं, जो अभी हमारे सुभाषपा जी जो ओबी राजभर जी हैं वो पार्टी इन्होंने गठबंधन किया है, और अभी बिहार होके आए हैं अदली राजभर साहब, वहां भी जाके कहते हैं कि लेकिन ओम प्रकाश राजभर से जब हमारे संवाददाता ने उन पर सवाल मैं तुलना की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी के अंदर पार्टी में, ओम प्रकाश राजभर उससे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उससे कंफर्ट है, उससे क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये बुरा नहीं लग रहा है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ किसी को बुरा भला नहीं लग रहा है, समाजवादी पार्टी और हमारा जो इंडिया अलायंस है सब एकदम आपसी जो है भाईचारा है सबसे, आप देखेंगी जो हमारे जो सीट शेयरिंग होंगी एकदम सही तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी, और ये इंडिया जो है एनडीए को हराने जा रहा है, और ये खलबली मची हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में। आप सोचिए अगर हम बात करें, आज अभी इनसे सवाल पूछा गया, एक भी सवाल का जवाब ओपी सिंह नहीं दे पाए, इनसे पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश, सुन लीजिए, क्या मध्य प्रदेश में 450 रुपए का गैस सिलेंडर जो आप वहां दे रहे हो, चुनाव आ गया है, क्या उत्तर प्रदेश में आम जनता को मिलेगा नहीं मिलेगा, इनकी बोलती बंद है, ये ना जाने क्या क्या सवाल पूछे लग रहे हैं। अभी आपने देखा अमेठी के अंदर संजय गांधी जो अस्पताल था उन्होंने बंद कर दिया, एक भी अस्पताल चला नहीं पाइए, एक भी कॉलेज खोल नहीं पाइए, ये अस्पतालों को बंद कर रहे हैं, वो दसियों साल मतलब बीसियों साल से अस्पताल चल रहा था, वो आम आदमी को जो है इतना बड़ा अस्पताल था स्वाति जी कि आम आदमी को एकदम सस्ता इलाज मिलता था, लेकिन ये भाजपाई लोग जो है आम जनता को जो अस्पताल हो चाहे कॉलेज हो कुछ भी हो ये केवल और केवल बंद करने में लगे हुए। मैं भी सुनिए स्वाति जी, इस पर चर्चा होगी, आज मेडिकल की बात कर लूं, मेडिकल की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, इतनी चरमरा गई, स्वाति सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब इतनी चरमरा गई है, मैं अभी मेरे घर मेरे परिवार में घटना घटी है, दो बच्चे कार से गाड़ी से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, एक घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, एक घंटे एम्बुलेंस नहीं, और जिस सीएससी में जो शुक्ल बाजार है आपके अमेठी में पड़ता है, शुक्ल बाजार में अमेठी में आप विश्वास नहीं करोगे, उनके पास जो है न बेड है न अरे न तकिया है न उनके पास बेड सीट है, और सोचिए जो उस पर प्लास्टर बांधे हाथ में उसमें गिट्टक लगी हुई बांध दिए, जो सोचिए इतनी लापरवाही, इतनी मतलब इतनी बदइंतजामी है, आप सोचिए वहां पे मैंने सीएमओ से बात किया, कई लोगों से बात किया, लेकिन कोई सुनवाई नाम की चीज नहीं है, ये केवल इतनी भ्रष्ट सरकार है। मुद्दों को आप मानते हैं कि नहीं मानते, और भले ही आप लोगों के लिए घोसी की जो हार है वो बहुत छोटी सी रही हो, भले उसके कोई मायने ना हो, मंथन लेकिन किया जा रहा है, पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो वोटों के गणित को साधने में समाजवादी पार्टी घोसी में सफल रही, आप लोग विफल रहे, तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है आपके यहाँ?
सबसे बड़ी बात यह है कि घोसी के हार को स्वाति जी हमने सहर्ष स्वीकार किया, मान रहे हैं कि घोसी में हम चुनाव हार गए, इसमें कोई डिबेट का विषय तो है नहीं, ना करते हम क्या किसी करते पर दोष तो नहीं लगा रहे हैं ना, जनता ने आपको नकार दिया तो स्वीकार ही तो करेंगे और क्या करेंगे, और जहां हारे वहां डीएम ईवीएम जिला प्रशासन चुनाव आयोग सारे प्रयास भी किए तब भी आप हारे हो, सारे प्रयास किए आरोप लगाए नहीं, सारे प्रयास करने के बाद भी 250 कार्यकर्ताओं का आपने बंद कर रखा था, उनको भी छुड़वाया गया, लेकिन अब चुनाव से लड़े जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है तो बहुत कुछ आपके बारे में चंचल जी बताने की जरूरत नहीं है, आपके सांसद सरेआम लोकसभा के अंदर गालियां देता है, आपका सांसद क्या क्या बोलता है, शर्म नहीं आ रही चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप लोगों को, कम से कम उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप हमारी पार्टी को आरोप लगाते हैं, आप लोग बिल्कुल सही झूठ बोलने में आप लोग क्यों माहिर हैं, आप तो झूठ बोलने चाहिए, अब तक 14 से हुए हैं वो मुद्दों पर हुए हैं, और ये जो 24 का चुनाव होने जा रहा है वो मुद्दे पर होने जा रहा है, क्या मुद्दा है, जितना डिवाइड एंड रूल चुनाव मुद्दे पर ही होगा, एक तरफ ये जाएंगे और ये बताएंगे कि डबल इंजन की सरकार थी, जनता के लिए कुछ नहीं किया, और हम जनता के बीच में जाएंगे तो हम बताएंगे अपनी रिपोर्ट कार्ड कि 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार और 9 साल में तो काम बता दो लगे हाँ ना। अभी चंचल जी जो मुद्दे गिना रहे थे, ओपी सिंह जी शायद अभी आप उन मुद्दों को भी ध्यान से सुन रहे हो, वो भी उम्मीद कर रहे होंगे कि वो जो समस्याएं गिना रहे थे अपने इलाके की और भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की, शायद आप अपनी पार्टी तक शायद अपनी सरकार तक उन मुद्दों को पहुंचा पाए और लोगों की समस्या का समाधान कर पाए, सर हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सही स्वाति जी, बहुत अच्छा सवाल आपका भी है और चंचल जी का, रिपोर्ट कार्ड चंचल जी एक मिनट पहले कंप्लीट कर ले, एक सेकंड, ये स्वाति जी स्वास्थ्य पर ले आए, क्या ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश को बताने की जरूरत है कि इस प्रदेश और देश में जब जब संकट आया है ये ऐसे कमरे के बाहर नहीं निकले हैं, अरे रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करो, इसमें नहीं गए हैं अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में बात करो, क्या बताओगे इसमें, ये बुरी तरह से चुनाव हारे और नहीं तो हमारे जुमलेबाजी सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पे, साइंटिस्टों का रिपोर्ट कार्ड की बात करिए, ओपी सिंह जी इन्होंने कहा क्या काम किया बताओ आप यहाँ पे, ये जो कोरोना कहीं 50 बेड का अस्पताल बनाया है किसी लखनऊ राजधानी के अंदर, कहीं 50 बेड का बनाया आपने, कभी घर के बाहर रख ले यादव, फिर जुमलेबाजी नहीं निकले, ठीक है ओपी जी, सरकार गई 2017 में तो 12 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज है, झूठ बोलने की परंपरा बहुत तगड़ी है, प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी रैलियों झूठ बोलते हैं, बीजेपी के आप मुझे बताइए, स्वाति जी ने पूछिए हर जगह मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, सवाल पूछे उन सवालों के जवाब तो दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, 2014 पूछिए हर जगह मेडिकल कॉलेज कहाँ बन गए, कोई एक मेडिकल कॉलेज जो बना दिया चलाया होगा, इनसे पूछिए कौन सा मेडिकल कॉलेज जो चल रहा है, किसी ने जो पूजा करते हो और गांधी जी आते हो मिली है इस बार महंगाई पर बात क्यों नहीं करते साहब, महंगाई कब कम होगी, कब पेट्रोल डीजल अभी 40 रुपए में मिलेगा और कब राजस्थान में 13 रुपए किलो में मिलेगा, पूरे देश आप बताइए तो अब तो सरकार और उत्तर प्रदेश में भी राजस्थान लेके जा रहा है अपने घर के बगल के एक रोड तो बनवा नहीं सकते आप, मुझे मालूम है ये जनता सब अपने घर के बगल में गड्ढे रोड में है, अपने घर के बगल के रोड बनवाने के औकात नहीं है, ऑफिस में जानता हूँ आपको, झूलेबाजी करने के लिए बैठे हैं केवल, अगर बिजली दिया तो उन्होंने सफाई मैदान कंडोल कर दिया, अगर विकास किया तो सफाई कुनबा का किया, 300 करोड़ रुपया खर्च करके, अरे कोई काम करो, एक कोई काम किया हो, एक कोई पावर प्लांट लगाओ तो, एक कोई मेडिकल कॉलेज चलाओ तो, 300 करोड़ सभी को सभी की बात कम से कम सामने आ जाए, ठीक है रोहित जी रूस की जो है नर्तकियों को, अरे ओपी सिंह जी जरा सा
शांत रहिए शांत रहिए, बीपी हाई हो जाएगा, मतलब अस्पताल भी नहीं है, यकीन बता रहे हैं, मतलब आफत हो जाएगी, अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा, दो घंटे में डॉक्टर मिलेगा। अभी भाजपा के एक नेता को डॉक्टरों ने पीट पीट के मार डाला है, भाजपा के एक नेता को डॉक्टरों ने पीट पीट के मार डाला है, बीपी हाई हो जाएगा, इलाज भी नहीं मिलेगा। शांत रहो, थोड़ा सा सुन लो। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है, यहाँ पेशेंटों को मारा जाता है, स्थिति है, सुन लो भैया, काहे मतलब बीपी हाई करने में तुले हो। मैं बता रहा हूँ ओपी सिंह जी, बीपी हाई हो जाएगा, बात समझो, बीपी हाई हो जाएगा, बात समझो, अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है आपके, बीपी हाई हो जाएगा। अच्छा, तो फैक्ट चेक करने के लिए हम ही लोग को बुलाओगे कि भैया कब का इलाज दिलवा दो, विपक्ष वालों तुम ही लोग आवाज उठा लो। सपना देखे, ठीक है, सपना देखे, ठीक है, मैं जैसे कांग्रेस चली गई, बिल्कुल सपने ही तो नहीं देख रहे हैं आपको, दिन में सपने देखते हो आप, सपने ही तो नहीं देख रहे हैं। और समस्या ये है कि आपने सपने में ये देख लिया है कि आप अजर और अमर हैं, समस्या ये है। हो जाओ भाई, अगर आपके परिवार में कोई टीवी देख रहा हो तो मैं उससे गुजारिश करूंगा कि बीपी हाई हो जाएगा इनका, अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। तो देखिए स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था यहाँ पे विपक्ष की आवाज नहीं आने देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ना तो सूत है उत्तर प्रदेश में, ना कपास है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे खाली झूठ परोसा गया है, उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे गड्ढों का विकास हुआ है, उत्तर प्रदेश में काम का विकास नहीं हुआ है, आखिरकार फॉर्मूला क्या है, क्राइम का विकास हुआ है। बंटवारे को लेकर आसानी से हो जाएगा, इसे कैसे हल करेगा विपक्ष? सीट बंटवारा, इंडिया गठबंधन सक्षम है, इंडिया गठबंधन सक्षम है, इंडिया गठबंधन एक बड़े उद्देश्य से बना है, इंडिया गठबंधन जनता को इस भ्रामक सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए बना है, इंडिया गठबंधन इनके झूठ और जुमलों से जो जनता आज कहरा रही है उससे मुक्ति बनाने के लिए बना है, इंडिया गठबंधन सक्षम है, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य बहुत बड़ा है, सीटों से बहुत बड़ा है, इसलिए हर व्यक्ति वहां पे कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस करने को तैयार है, और हम जनता के लिए, जनता के लिए हमने ये गठबंधन बनाया है। स्वाति जी, सीटों पे बात करेंगे, ओपी सिंह जी को खूब सवालों से घेरना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन आज क्योंकि ये सत्ता में बैठे हुए हैं, सत्ता के हिसाब से सवाल उठना चाहिए, लेकिन आज आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आज इनका कोई स्कोप नहीं है, और जो आपके विपक्षी दलों के पैनलिस्ट है वो बहुत ही परिपक्व है, बहुत धारदार है, उन्होंने अपने घर की बातों को छुपाने के लिए, ढकने के लिए ओपी सिंह को पूरी टाइम पे घेरे रखा, क्योंकि आपका सवाल, आपका सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ ये था कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जो शेयरिंग है उसमें क्या चल रहा है, ये आपका सवाल का जायज सवाल था, जवाब नहीं दिया। हमने कहा सवाल ओपी सिंह को है, बहुत बार हम ओपी सिंह को है इंडिया गठबंधन की। देखिए असली बात, रोहित भाई मुझे बहुत कम टाइम मिला है, देखिए असली बात क्या है, असली बात छुप गई और पूरा टाइम निकल गया, असली बात प्रियंका जी से भी सवाल पूछा जा सकता है कि पूरा स्वरूप जो है वो इसलिए बिगड़ रहा है कि कांग्रेस अभी भी आस लगाए हुए है उस बसपा से जिसकी सुप्रीमो 6 बार कह चुकी हैं कि हम किसी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे, यहां तक इंडिया गठबंधन के नाम पर भी वो सवाल उठा चुकी हैं। उसके बाद कांग्रेस को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम लड़ेंगे तब भी हम शायद नाकाम हो जाए, बसपा को भी साथ ले दलित वोट की आस, तब जबकि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। जल्दी से सवाल प्रियंका जी के सामने, प्रियंका जी जल्दी से। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हूँ क्योंकि अगर कोई इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहेगा तो इंडिया गठबंधन उसका वेलकम करेगा। और 10 बार मना कर चुकी है, 10 बार मना कर चुकी है, 10 बार मना। अरे भाई, तो आप भी तो यहाँ कह रहे हैं, आप ही तो बता रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है, आप ही तो बता रहे हैं सारा कहा कि ये तो, अरे हम ये कह रहे हैं, हमने तो, अरे कांग्रेस के नेता लगातार, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो समाजवादी पार्टी के सामने सवाल उठा रहे हैं, शक हो रहा है, शंकाएं हो रही है, इस तरह के प्रमाण आ रहे हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल वक्त नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी की राय का बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए।